कैरियर पर करेंगे आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे क्लरिकल प्रीवियस ईयर पेपर का हिस्ट्री पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? ऑप्शन हमारे हड़प्पा, लोथल, कुर्तिजी या ये सभी। हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है, लोथल हमारा गुजरात में है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल के बारे में और जान लेते हैं। लोथल की खोज की थी हमारे रंगनाथ राव ने 1954 में, और ये है हमारा भोगवा नदी के किनारे। और लोथल में जो हमारे जख्म मिले थे, हाथी दांत के पैमाने मिले थे, और एक बंदरगाह था, और युग्म समाधान का साक्ष्य भी हमारे लोथल में ही मिले थे। किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? ऑप्शन हमारे नंदी सूत्र, छाया सूत्र, मूल सूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मूल सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। औषधि का उल्लेख ढूंढा जा सकता है? ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में हमारा औषधियों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, और इसमें ही हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है तीसरे मंडल में, और यजुर्वेद में कर्मकांडों और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में निम्न में से कौन सी धातु बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? गुप्त काल में निम्न में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? ऑप्शन हमारे चांदी, ताम्र, स्वर्ण, लोहा और इस्पात। ऑप्शन डी, लोहा तथा इस्पात। बुद्ध शब्द का आशय है द वर्ड बुद्धा मीन्स, तो मीनिंग क्या है इसका हमारा? ऑप्शन आंसर वाला ऑप्शन सी, ज्ञान संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? ऑप्शन हमारा वाराणसी, मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र। राइट आंसर हमारा पाटलिपुत्र। ध्रुव सेन कहाँ का शासक था? ध्रुव सेन हमारा कहाँ का शासक था? ऑप्शन बी, कठियावाड़। सेन राजवंश के संस्थापक था, तो सेन राजवंश का संस्थापक था। जी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय सिंह। एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, मुबारक शाह खिलजी। और जान लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। जो खिलजी वंश था हमारा, ये इसकी इसकी स्थापना हुई थी 1290 में, और समाप्त हुआ था 1320 में। तो खिलजी वंश के पहले सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। और अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रमुख शासक थे हमारे खिलजी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराज कौन था? ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सदाशिव राय। और तालिकोटा का युद्ध हुआ था हमारा 1565 में। और जान लेते हैं इसके बारे में। सिंघम वंश का आरंभ हुआ था हमारा 1336 से लेके 1485 ईस्वी में, और हरिहर और बुक्का ने ही इसको इसको आरंभ किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, इसे ही सिंघम वंश कहा जाता था। 1336 से लेके 1650 तक हमारा विजयनगर साम्राज्य चला था, और इसमें प्रमुख वंश थे हमारे सिंघम वंश, अभी के हमने जो हरिहर बुक्का ने स्थापित किया था, सालू वंश जो 1450 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा, और उसके शासक थे हमारे जिन्होंने प्रारंभ किया था सालू नरसिंह। और प्रमुख वंश था हमारा तुलु वंश जो 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा, और इसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। और विडु वंश 1570 से 1650 तक रहा, जिसकी स्थापना की थी तिरुमल ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? क्वेश्चन हमारा दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, फतवा है अकबर, डी ए या बी दोनों। तो राइट आंसर हमारा ए, दीन ए इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसकी विशेष प्रभाव था? किसका विशेष प्रभाव था? इसका राइट आंसर हमारा माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। न्याय के जंजीर का संबंध था? इसका राइट आंसर हमारा जहांगीर, जो हमारा अकबर का पुत्र था, उसका संबंध था हमारा न्याय के जंजीर से, इसने सोने की जंजीर लगाई थी अपने दरबार में न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरतुस्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया?
ऑप्शन हमारा गुजरातियों द्वारा, पारसियों द्वारा, आर्यों द्वारा या तुर्कों द्वारा। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, पारसियों के द्वारा जरतुष्ट धर्म का प्रभाव भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्यम वर्ग मुखिया बना था। ऑप्शन हमारा उद्योगपतियों का, जमींदारों का, व्यापारियों का, साहूकारों का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जमींदारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे। ऑप्शन है हमारा राजनारायण बोस, बीसी चटर्जी, विष्णु गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक जो गरम दल थे उसके प्रमुख नेता थे, और इन्होंने ही मराठा की स्थापना भी की थी, मराठा पत्रिका चलाई थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाह गया था? तो किसके द्वारा किया था बंगाल विभाजन हमारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अल्फ्रेड रॉयल, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? ऑप्शन हमारा है दुश्मनीपूर्ण, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, सक्रिय, मदद। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सक्रिय मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी सदस्य चुना था? तो ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और संविधान सभा का गठन हुआ था हमारा 1946 में, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद जी को, और उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुना गया था हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था वर्ष? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1983 में भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन।